तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुसाकी और पुलिस मेंबर वो वीडियो टेप देख रहे होते हैं जिसमें रेप एनवर की डेथ का इंसिडेंस होता है। रुसाकी को जब ये पता लगता है कि नायोमी मिसोरा जो रे की फियांसे होती है वो रे की डेथ के बाद से गायब है, तो रुसाकी ये कंक्लूड करता है कि ज़रूर नायोमी के पास कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तभी कीरा ने उसे भी मार दिया। रुसाकी बोलता है कि अब से सिर्फ डिप्टी गीता मोरा और चीफ यागमी की ही फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही रेप एनवर की सर्विलियंस के अंदर थे। रुसाकी वतारी को दोनों घरों में टैप सर्विलियंस और कैमरे फिट करने को बोलता है। लाइट अपने डोर के हैंडल को जिस जगह सेट किया था उस जगह ना पाकर और गेट के बीच में जो पेंसिल थी उसे टूटा हुआ देखकर लाइट को शक होता है कि शायद उसके घर में कैमरे हैं। लाइट रूक की हेल्प लेता है कैमरा ढूंढने के लिए, और लाइट एल को दिखाने के लिए कि वो कीरा नहीं है, वो एक चिप्स के पैकेट में छोटा सा टीवी बॉक्स, एक डेथ नोट का पेज और एक पेन रखता है और अपने लेफ्ट हैंड साइड से चिप्स खाने के बहाने क्रिमिनल्स के नाम लिखता है। पर एल को अब भी शक होता है कि लाइट ही कीरा है। अब देखते हैं आगे। लाइट और रियोक मार्केट जा रहे होते हैं, तो लाइट रियोक से पूछता है कि तुमने अच्छे से चेक तो किया ना कि हमको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। तो रियोक बताता है, मैंने 100 मीटर की रेडियस में अच्छे से चेक किया है और मैं श्योर हूँ कि हमको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो लाइट कहता है, पर मैंने तो न्यूज़ में देखा था कि 1500 इन्वेस्टिगेटर्स कीरा केस के लिए जापान आ रहे हैं। तो रियोक लाइट से बोलता है कि पक्का वो ब्लफ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर सही में 1500 इन्वेस्टिगेटर्स कीरा केस के लिए जापान आते तो वो ये काम सीक्रेटली करते, ना कि रिवील करके। तो लाइट रियोक को एप्पल देने के लिए मान जाता है और एप्पल खा के रियोक की बॉडी नॉर्मल होने लगती है। रियोक लाइट से शिकायत करता है कि वो मुझे कैमरा ढूंढने के काम में लगाता है और एप्पल भी खाने नहीं देता, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ चीफ यागमी रुसाकी से बोलते हैं कि वो दो दिन पहले जो हार्ट अटैक से मरे दो क्रिमिनल्स उनके बारे में सोच रहा है और उसके हिसाब से उसकी फैमिली को उन दो क्रिमिनल्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या वो और उसकी फैमिली सस्पिशन से नहीं हटनी चाहिए। तो रुसाकी बोलता है कि उनको ये तो पता है कि कीरा डेट्स की टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है, पर उसे ये नहीं लगता कि कीरा बिना न्यूज़ को देखे किसी क्रिमिनल को मार सकता है। तो हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई कीरा ना हो। तभी चीफ यागमी और रुसाकी लाइट को कैमरे में अपने घर आते हुए देखते हैं। लाइट सोचता है कि चिप्स खाने के बहाने वो सिर्फ दो क्रिमिनल्स को ही मार पाया, और वो भी ऐसे क्रिमिनल्स जिनके क्राइम बहुत छोटे थे। तो हो सकता है एल को उसके कीरा होने का शक और बढ़ जाए। लाइट सोचता है कि अगर वो छोटे क्राइम वाले क्रिमिनल्स की न्यूज़ को देखता है तो एल को उस पर ज़्यादा शक नहीं होगा, और इसके लिए उसको टीवी में आ रहे क्रिमिनल्स के नाम और फेस याद रखने होंगे, और घर से बाहर आने के बाद वो उस डेथ नोट में उनका नाम लिख देगा जो वो अपने वॉलेट पर रखता है। Just like that. It's the perfect way to deal with these hidden cameras. दूसरी तरफ रुसाकी सभी पुलिस मेंबर से बोलता है कि उसे कई दिन की ऑडियो और वीडियोस देखने के बाद भी दोनों घरों में कुछ नहीं मिला और वो दोनों घरों से कैमरे और टैप सर्विलियंस हटा रहा है, लेकिन अभी भी उसे दोनों घरों पर 5% शक है, क्योंकि हो सकता है कि कीरा बिना सस्पिशियस बने मर्डर कर पा रहा हो। रुसाकी अपने मन में सोचता है कि अगर कीरा उन दोनों घरों में से ही है तो वो बिना कैमरे में आए और बिना सस्पिशियस बने मर्डर कैसे कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीरा डेथ की विश करके भी किसी को भी मार सकता हो। I still have no idea how he's been able to commit these murders, but let's say he could kill someone simply by wishing death upon them. रुसाकी सोचता है कि कोई भी इंसान जिसको पता है कि वो मर्डर कर रहा हो कोई ना कोई इमोशन तो कैमरे में रिवील जरूर करेगा,
तो हो सकता है इन दोनों फैमिली में से कोई किरण ना हो। रोसाकी सोचता है कि अगर इन दोनों फैमिली में से ही कोई किरण है तो हमको ये अज्यूम करना होगा कि उसकी मेंटलिटी बिल्कुल गॉड की तरह हो गई है, जिस वजह से वो क्रिमिनल्स को बिना किसी एक्सप्रेशन और इमोशन के मार रहा है। रोसाकी आगे सोचता है कि क्या पता किरण नाम का कोई पर्सन हो ही ना और गॉड ये खुद कर रहे हो। लेकिन रोसाकी अपने इस आइडिया को एकदम बेकार मानता है, क्योंकि अगर गॉड सही में कुछ कर रहे होते तो उनको किसी को मारने के लिए उसके नाम और फेस की जरूरत ना पड़ती। These aren't acts of God, but someone very childish and immature who wants to pretend they're God. That's what's going on here. रोसाकी सोचता है कि ये काम गॉड का किया हुआ नहीं है, लेकिन कोई ऐसे पर्सन का किया हुआ है जिसकी मेंटलिटी बिल्कुल बच्चों जैसी हो और वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो गॉड हो। रोसाकी बोलता है कि किरण नाम का पर्सन जरूर एग्जिस्ट करता है और वो उसे पकड़ के ही रहेगा, लेकिन किरण अपने आप को कभी रिवील नहीं करेगा और वो ऐसा क्या करे कि किरण उसे खुद दिखाए कि वो इतने सारे मर्डर कैसे कर पा रहा है। दूसरी तरफ रियोक लाइट को बताता है कि घर से सारे कैमरे हटा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी लाइट उसकी बात को इग्नोर करता है और रिसीवर में बताता है कि अभी भी टैप सर्विलेंस लगे हो सकते हैं। लाइट सोचता है कि अगर उसके घर से कैमरे हटा लिए गए हैं तो एल को उसके किरा होने का शक अब नहीं रहा, और लाइट सोचता है कि वो अपनी फादर की मदद से एल की ट्रू आइडेंटिटी निकलवाने में हेल्प लेगा और उसको एलिमिनेट कर देगा, जिससे वो वर्ल्ड का गॉड बनने में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। Kira will be one step closer to becoming the god of the new world. Light अपने entrance exam देने के लिए university जा रहा होता है। Light को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसके room से tap surveillance और कैमरे हट चुके हैं। Light सोच रहा है कि वो university पहुंच जाए तो उसके पास और ज़्यादा time रहेगा L के बारे में सोचने का कि आखिर वो है कौन। Teacher Light से पीछे बैठे हुए student को सही से बैठने को कहता है। लाइट जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो पहली बार एल को देखता है, हालांकि उसे पता नहीं होता कि वही एल। सिनिगामी वर्ल्ड में सब सिनिगामी रियुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक सिनिगामी बोलता है कि लगता है कि रियोक किसी ह्यूमन का पेट बन गया है। तभी दूसरा सिनिगामी रियोक का मजाक बनाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रियोक किसी का पेट कैसे बन सकता है, क्योंकि पेट तो बहुत क्यूट होते हैं, और सब ये सुनकर हंसने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से लाइट का नाम अनाउंस होता है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। लाइट के बाद बुलाया जाता है हितागी रियोका को, जो कि रोसाकी होता है, और इससे पता लगता है कि रोसाकी ने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए दूसरा नाम यूज़ किया है। लाइट सोचता है कि इस पर्सन को एग्ज़ाम के दिन सही से ना बैठने की वजह से बोला गया था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इसके साथ स्पीच देनी पड़े। I knew I'd be giving the address with one other student, but I never expected this. लाइट और रोसाकी के स्पीच देने के बाद जब वो वापस आते हैं तो रोसाकी लाइट से बोलता है कि वो जानता है कि उसके फादर का नाम सुइचोरो यागुमी है और वो पुलिस चीफ है। लाइट सोचता है कि ये पर्सन है कौन। रोसाकी उससे बोलता है कि वो ये भी जानता है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने की सोच रहा है। रोसाकी उसे बताता है कि वो कई केसों में भी पुलिस की मदद कर चुका है और अब उसका इंटरेस्ट कीरा केस में भी है। वो उससे कहता है कि अगर वो किसी को ना बताए तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसे कीरा केस से रिलेटेड बताएगा। लाइक कीरा केस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्यूरियोसिटी में आकर उससे पूछता है कि वो न्यूज़ क्या है, तो एल बोलता है कि वही एल है। I won't tell anyone. What is it? I want to tell you I'm L. लाइट ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर ये पर्सन एल है तो उसने ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रिवील क्यों करी। सोचता है कि उसको ये पर्सन थोड़ा अजीब लगता था,
पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यही एल होगा। लाइट अपने आप को काम डाउन करता है और अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोलता है। लाइट एल से बोलता है अगर वो सही में एल है तो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसको एडमायर करता है। एल लाइट को बताता है कि उसने उसके सामने अपनी आइडेंटिटी इसलिए रिवील करी क्योंकि वो कीरा केस में उसकी मदद चाहता है। एल मन में सोचता है कि लाइट की कीरा होने की परसेंटेज से 5% है, लेकिन अगर वो सही में कीरा हुआ तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो कीरा होने के लिए एकदम परफेक्ट है। एल मन में सोचता है कि अगर लाइट सही में कीरा है तो उसके लिए इससे ज़्यादा प्रेशराइज बात और कोई नहीं होगी कि उसे कीरा होते हुए कीरा केस में काम करना पड़ रहा है। लाइट अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन एल हो या ना हो वो उसे कुछ नहीं कह सकता, और लाइट आगे सोचता है कि अगर ये पर्सन सही में एल हुआ तो इसने ज़रूर अपना फेस मेरे फादर को दिखाया होगा, और मेरे को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद ये पर्सन मरता है तो सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा। लाइट सोचता है एल ने अपना नाम जरूर गलत ही बताया होगा, और बाय चांस अगर उसने अपना नाम सही भी बताया हो तो भी इस नाम को डेथ नोट में लिखने में खतरा है क्योंकि नाम लिखते वक्त अगर मेरे माइंड में फेमस पॉप स्टार हिडागी रियोगा का चेहरा आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइट आगे सोचता है कि हम अब भी एक सस्पेक्ट ही हैं जो रे बेनवर की सर्विलियंस में आते हैं, क्योंकि इस पर्सन का अपने आइडेंटिटी रिवील करने का और कोई कारण नहीं हो सकता। I didn't think the ceremony would be so interesting. वापस घर आने के बाद लाइट बहुत गुस्से में होता है तो रियोक लाइट को गुस्से में देख वापस आइडियल के बारे में बताता है। लाइट रियोक से गुस्से में कहता है कि अगर उसने सिनिगामी आइडियल कर भी ली तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हमने उस पर्सन को मार दिया और रियल एल नहीं निकला तो जो रियल एल है उसे पता लग जाएगा कि मैं ही कीरा हूँ। Kill him and it turns out he's not really L, that would be like announcing to the real L that I am Kira. Sorry. Light Ryuk से बोलता है कि एक सिनिगामे के लोगों को मारने में और एक नॉर्मल ह्यूमन के लोगों को मारने में बहुत अंतर होता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन L है या नहीं, वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि अगर उसने उसे मार दिया तो पुलिस का सीधा शक मेरे ऊपर ही जाएगा। लाइट आगे बोलता है उसने कभी नहीं सोचा था कि L मेरे सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। लाइट सोचता है कि क्या पता कि वो एल है भी या नहीं, या एल का भेजा हुआ कोई इन्वेस्टिगेटर हो। लाइट रियोक को बताता है कि अब से वो दोनों क्लास में फ्रेंड्स बन के रहेंगे, बल्कि वो एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे और वो एल का ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने हाथों से उसे एलिमिनेट कर देगा। Trust. And once you've told me what I want to know, there'll be no point keeping you alive. Then I'll kill you with my hands if I have to. तो यहाँ खत्म होती है हमारी एपिसोड 9th की स्टोरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।